तो आज किस वीडियो में आप जानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो मूवी आने वाले पृथ्वीराज की, वो जो है जनवरी में रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके ऊपर जो है बहुत सारे गुज्जर जो है समुदाय भड़क गए हैं। तो आज किस वीडियो में आप जानेंगे कि पृथ्वीराज में पृथ्वीराज चौहान को राजपूत कहे जाने से भारत का गुज्जर समुदाय अक्षय और मानुषी की फिल्म को लेकर के दी ये धमकी। आपको बता दें कि फिल्म पृथ्वीराज मानुषी छिल्लर की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है। मानुषी और अक्षय के अलावा इस फिल्म में सोनू सूद और संजय दत्त अहम भूमिका में हैं। इस फिल्म का निर्देशन चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है और इसके ऊपर जो गुज्जर समुदाय का जो धमकी मिला है, वो धमकी क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, तो ये जो आप देख रही है जो है इनका धमकी है और यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर भी जलाया गया है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, बहुत सारी चीजें यहाँ पर किया गया। तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी जो है यहाँ पर पोस्टर रिलीज हो गया है, लेकिन अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की आगामी फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज डेट के बाद कई बार टलने के बाद यह फिल्म 21 जनवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। हालांकि इस बीच फिल्म को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है कि INS की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के गुज्जर समुदाय ने क्या किया था, गुज्जर समुदाय ने फिल्म को लेकर के धमकी दी है। धमकी इसीलिए दी गई है क्योंकि गुज्जरों का दावा है कि फिल्म में महाराजा जो पृथ्वीराज चौहान के लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि वे राजपूत नहीं है बल्कि गुज्जर समुदाय से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले गुज्जर समुदाय ने अजमेर में विरोध प्रदर्शन किया था और धमकी दी थी, अगर फिल्म में पृथ्वीराज चौहान को गुज्जर किंग के तौर पर नहीं दर्शाया गया तो फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे। बॉलीवुड लाइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा कि फिल्म पृथ्वीराज कवि चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराजो कविता के आधार पर बनाई गई है और इसमें कविता लिखा था उसके आधार पर यह फिल्म बनाई गई। दरअसल फिल्म पृथ्वीराज फिल्म के टीजर में दिखाया गया है, जो भी चीजें दिखाया गया मैं आपको बता दूं, कवि चंद्र बरदाई की कविता में हुआ था राजपूत शब्द का इस्तेमाल। अब हम आपको आगे बता दें कि ये जो फिल्म बनी है उसका थोड़ा सा हम आपको झलक दिखलाते हैं कि उसमें क्या क्या होने वाला। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान की 16वीं शताब्दी में रासो महाकाव्य लिखा गया जो काल्पनिक है। यह महाकाव्य चंद्र बरदाई द्वारा प्रिंगल भाषा में लिखा गया, मतलब ये काल्पनिक लिखा गया जो बाजरा और राजस्थानी भाषाओं का मिश्रण है। गुज्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, यानी पृथ्वीराज गुज्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान इसे कहा जाता है, लेकिन इसके काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, प्रिंगल भाषा का नहीं जिसका कवि ने प्रयोग किया है। आपको बता दें कि फिल्म को लेकर विवाद इसलिए हो रहा है कि राजपूत शब्द का इस्तेमाल चांद बरदाई के समय किया गया था, न कि राजा पृथ्वीराज चौहान के शासन के दौरान। रिपोर्ट के अनुसार हिमंत सिंह ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर गुर्जर जाति से जुड़े रहे हैं और इसलिए जो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका बेटा खुद गुर्जर होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ जहां गुर्जर समुदाय पृथ्वीराज चौहान को अपने राजा के तौर पर देखते हैं, वही राजपूत समुदाय उन्हें अपना मानते हैं और राजपूत समुदाय के नेताओं ने गुर्जर के दावे का खंडन किया है और श्री राजपूती करणी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सत्यवत ने दावा किया है कि गुर्जर शुरू में गौचर थे, बाद में गुर्जर और फिर गुर्जर बन गए। ठीक है, वे मूल रूप से गुजरात से आते हैं और इसलिए यह नाम उन्हें मिला है। आपको बता दें कि फिल्म पृथ्वीराज मानुषी छिल्लर की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है। मानुषी और अक्षय के अलावा इस फिल्म में सोनू सूद, संजय दत्त अहम भूमिका में होंगे। इस फिल्म का निर्देशन जो करने वाले हैं वो है चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। वैसे तो ये फिल्म 2019 से शुरू ही हो रहा था बनने के लिए, लेकिन रिलीज डेट 2022 में हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आप जाने हैं पृथ्वीराज के बारे में, इस पर क्या रोक लगा था, क्यों इसमें क्या क्या मामला है। ये फिल्म जो है आपको 21 जनवरी को, ठीक है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि 21 जनवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि आप लोग मूवी देखेंगे या फिर इसी भड़कास में अपना भड़काव निकालेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें।